सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मैंने सुना कि कलकत्ते में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कोई बात नहीं, मैं सबको जवाब दे सकती हूँ। तो आप ऐसे जो लोग हैं वो कृपया ये प्रश्न लिख करके दे दें, कल सवेरे, कल जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर दूं। लेकिन प्रश्न में किसी तरह का आक्रमण होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अपना है, वही हम लेने आए हैं, आपसे कुछ लेने नहीं आए। इसलिए आपका अपना लेने में आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? अगर हम कहें कि यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ है जो आपको बेमोल मिल रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इसका मूल्य ही कोई दे नहीं सकता, तो क्या आप प्रश्न पूछेंगे? आप फौरन दौड़ कर ले लेंगे। इसी प्रकार आपके अंदर भी एक बड़ा भारी हीरा चमक रहा है, उसे आत्मा कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने की कौन सी बात है, मेरी समझ में नहीं आती। तो अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप कृपया एक कागज पर रख करके और यहाँ दे दीजिएगा, मैं सबका उत्तर दे दूंगा। और मैं सोचती हूँ कि आज उचित होगा कि हम कुंडलिनी का ही जागरण करें और देखें कितने लोग इसे पाते हैं, और जो लोग आज नहीं भी पाए वो कल पा लें। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो सहयोग में आया और उसने नहीं पाया। लेकिन लड़ने झगड़ने की इसमें कोई बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जहाँ आप लड़ झगड़ के कुछ पा रहे, ना तो इसमें तर्क वितर्क से हो, ये आपके अंदर बसी हुई शक्ति है जो जागरूक हो गई। इसलिए नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करें और प्राप्त करें अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, जो अत्यंत गौरवान्वित है, बहुत ऊंचा दिव्य ऐसा है। आपके अपने को अभी जाना नहीं, अपने को समझा नहीं, अभी तक आप मानते ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि आप मानव हैं और मानव सबसे ऊंची चीज है उस क्रांति में, उसे बस इतना ही प्राप्त करा है। आज 40 देशों में सहयोग बना हुआ है और विशेषता रशिया में बहुत जोर पकड़ गया। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में कोई भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब पहले लेनिनग्राद में मैं गई तो 2000 आदमी तो बाहर बैठे थे और 2000 हॉल में बैठे, और पता नहीं कहाँ से उन्होंने मार्शल सीखा था, सब माँ माँ कह रहे थे। मेरा तो एकदम जी बैठ गया कि 2000 आदमी बाहर बैठे, अंदर गई, भाषण हुआ, सब के सब एक साथ पार। क्या कमाल के लोग, कितने गहरे लोग हैं। उन्होंने कभी धर्म नहीं सुना, कभी देवी का नाम नहीं सुना, कभी उनको भगवान का नाम नहीं मालूम, ये कैसे पार? इतने शुद्ध तबीयत के लोग जो खोज रहे हैं अंदर से सत्य। उसके बाद बाहर आई तो 2000 लोग के बाहर बैठे, बड़ा दुख हुआ, फिर क्या करें। अरे वहाँ हमारा क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा कल तुम आओ इसी प्रांगण में बैठ करके, हम तुम्हें पार करें। दूसरे दिन वो अंदर के भी 2000, बाहर के 2000 सफा से, और इस तरह से लग गए। अभी भी मेरे पास खबर आ रही कि जल्दी आओ माँ, हम लोग सब भूखे बैठे, जल्दी आओ। कहाँ कहाँ सहबेरिया तक सहयोग पहुँच गया, इतने जोरों में। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमें रिकग्नाइज कर लिया, मेडिकल में, एजुकेशन में, हर चीज़ में, और वहाँ के मिनिस्टर्स तक हमसे मिलने आते हैं और प्रोग्राम में आकर सर्वसाधारण लोगों के साथ बैठ। उन लोगों में अहंकार बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद इस तरह से ये कार्य हुआ है। आशा है यहाँ पर भी इसी प्रकार ये कार्य होगा। ये तो देवी का बड़ा भारी स्थान है और कलकत्ते से तो मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ के लोग गहरे हैं। उस गहरे पर को एक बार छू लेंगे तो जान लेंगे कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा व्यक्ति। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। मैं आपको बताऊंगी किससे कौन से चक्र पकड़े जाते हैं और कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सो कृपया आपको पूरी तरह से अपने को क्षमा। दूसरी बात यह है कि आपको सबको क्षमा करनी, सबको क्षमा करनी। मैं तो यहाँ से कहूंगी कि अंग्रेजों को क्षमा कर दो, क्योंकि उन्होंने यहाँ 300 वर्ष अपने यहाँ राज किया। सबको यहाँ से वहां तक अब इतने अंग्रेज लोग सहयोगी हो गए कि वो वाकई क्षमा के योग्य हैं। इसी प्रकार अनेक तरह की आपत्तियां आई, हर तरह के हम लोगों पे आतंक हुए और अन्याय हुए हैं, ये सब चीजों को एक साथ आप क्षमा। अब आप लोग कहेंगे कि माँ क्षमा करना बड़ा मुश्किल, मैं कोशिश करता हूँ क्षमा करने की, इसमें कोई कोशिश की बात ही नहीं, क्योंकि आप क्षमा करें या ना करें कुछ नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप जब क्षमा नहीं करते कुछ भी नहीं करते।
एक मिथ्या बात है कि मैंने क्षमा नहीं करी। किंतु जब आप क्षमा नहीं करते तो आप अपने दिमाग में वही चीज लेकर के रात दिन अपने ही को छलते हैं और अपने ही को सताते हैं। जो आदमी जिसने आपको दुख दिया उसने इतना दुख नहीं दिया जितना आप अपने को हर समय दुख देते हैं जब आप उसे क्षमा नहीं। इसलिए एक साथ सबको क्षमा करते हैं, सबको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन किसने मुझे तकलीफ दी, किसने मुझे परेशान किया, किसने मुझे क्या कहा, कोई ऐसी जरूरत नहीं। सिर्फ एक साथ अपने मन से कहना कि मैंने सबको एक साथ क्षमा, बस ये दो आपके ऊपर में शर्त है। ये दो शर्तों के बाद में एक ही और बात कहनी है कि हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि हम अब परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं तो प्रसन्न चित्त होना चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर के और हमें बैठना चाहिए। सबके लिए एक माँ की विनती है, इस वक्त आप सब कुछ अपना दुख भूल जाइए और एक प्रसन्न चित्त होकर के बैठे अपने प्रति प्रसन्नता, और ये कार्य जरूर संपन्न हो। आप जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे विनती की दोनों पैर अलग अलग कर, कल मैं आपको नाड़ियों के बारे में बताऊंगी जिससे आप जान जाएंगे कि कैसे लेफ्ट और राइट दो अपनी नाड़ियां हैं, ईरा और पिंगला नाड़ियां, और इसलिए ये दोनों अलग अलग नाड़ियां हैं। इनका एक दूसरों से इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि तो अभी कुंडलिनी का जागरण नहीं हुआ। तो लेफ्ट साइड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति की नाड़ी है और राइट साइड जो है क्रिया शक्ति की नाड़ी है। इसलिए दोनों पैर अलग अलग रखे, पर जो जमीन पे बैठ गए हैं तो उसको ये भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है कि वही सारा काम कर लेगी, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं। लेकिन सहजासन में बैठे माने फैल के बैठे, आराम से बैठे, फैल आराम से। इसका ये भी मतलब नहीं कि आप झुक जाएं या पीछे में बहुत तन जाए, बीच में सर्वसाधारण तरीके से कैसे बैठे, इस तरह से आप बैठे बिल्कुल सहज में। सहज का मतलब होता है एक तो होता है सहज माने सह माने आपके साथ जन्मा हुआ, योग का अधिकार, लेकिन सहज और जैसे कि हम सुलभ सहज तरीके से बैठे, इस तरह से सबसे पहले आपको ये है ये दिखा देंगे कि कौन से चक्र को हम किस तरह से छुएंगे और खुद ही अपने चक्रों को हम कैसे प्लावित करेंगे। और जो लोग पैर में जूते पहन के बैठे वो कृपया जूते उतर उतार कर एक तरफ रखें, जूते एक तरफ रखें और दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें जो लोग कुर्सियों पर बैठे। अब लेफ्ट हैंड आप का मतलब ये है प्रतीक रूप से, लेफ्ट हैंड का मतलब ये है आप आगे, लेफ्ट हैंड का मतलब ये है कि आप पेन मेरे इस तरह से ये आप इच्छा कर रहे हैं कि आपको आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हो, ये प्रतीक है। इसलिए सब लोग लेफ्ट हैंड मेरे ओर, सब लोग कृपया सब लोग ये कार्य करें, बहुत फायदे की चीज है और बहुत आनंद की चीज है। इसलिए कृपया सब लोग लेफ्ट हैंड में रखें। अब राइट हैंड से हम अपने चक्रों को प्लावित करेंगे, तो पहले राइट हैंड हम हृदय पे रखें कि हृदय में हमारा आत्मा का वास है, किंतु आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में, इसे कि हम तालु कहते हैं, वहाँ पर है। अब हमारा हाथ हम पहले हृदय पे, अब हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें, सारा काम हम लेफ्ट हैंड साइड में करें, पेट के ऊपरी हिस्से में हम रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में। अब ये जो चक्र है ये गुरु तत्व का चक्र, जो महान गुरु सदगुरु संसार में हो गए उन्होंने ये हमारे लिए चक्र बनाया हुआ है। जिस वक्त ये चक्र जागृत हो जाता है तो हम स्वयं अपने ही गुरु हो जाते हैं, इसलिए गुरु तत्व का चक्र। अब अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और जोर से दबाएं। ये चक्र शुद्ध विद्या का है, शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिससे हम परमात्मा का जो कुछ नियम है उसे अपने हाथ में जानते हैं। जैसे कि हाथ में जैसे ही चैतन्य लहरियाँ आ जाती हैं और आपके अंदर से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, तो आप उंगलियों पर जान सकते हैं कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है,
ये पांच उंगलियां छह और सात इस तरह से सात चक्रों को आप समझ सकते हैं। और शुद्ध विद्या का मतलब ये है कि जिसमें आपके नस नस में इसकी अनुभूति आ जाए, ये शुद्ध विद्या है। ये दिमाग से जानी हुई, बुद्धि से जानी हुई विद्या नहीं, किंतु हमारे नस नस में छाई हुई विद्या है जो प्रगल्भ हो जाती है, इसका मैनिफेस्टेशन होता है। अब इसी राइट हैंड को ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड साइड फिर से, और इस राइट हैंड को फिर आप हृदय पे रखें। अब इस राइट हैंड साइड राइट हैंड आप उठा करके अपना कंधा और गर्दन इसके बीच में रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। आप सामने हो गर्दन को राइट साइड में पूरी तरह। ये चक्र तब पकड़ता है जब हम अपने को दोषी समझते हैं और अपने को सोचते हैं कि हम इम्यून हैं, तब पकड़ता है। इसलिए ईटान जी के बहुत ही खतरनाक चक्र है। इससे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो सकती है, इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है, अनेक बीमारियां हो सकती है। अब इस हाथ को आप उठा करके और अपने कपाल पर, इसे बहुत से लोग माथा भी कहते हैं, रखे और दोनों तरफ से उसे दबाए। अब गर्दन को नीचे ले और पूरी तरह से इसे जोर से दबाए दोनों साइड। यह आज्ञा का चक्र है, ये सबको क्षमा करने का चक्र है। अब इस हाथ को अपने सर के दूसरे हिस्से में ले लें और यह आज्ञा का दूसरा उसी पंख भी है, इसमें आप अपना सर ऊपर की ओर उठाए, उन्नत करें और बगैर अपनी गलतियां गिने बगैर और किसने हमें सताया ये जाने बगैर और सोचे बगैर आप एक साथ इतना ही कहें कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई अगर गलती हो गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो, लेकिन इसमें आप कोई दोष अपने ऊपर न रखें। अब इस हाथ को आप इस तरह से पूरा टांगने के बाद हथेली के बराबर बीचों बीच जो जगह है, ये सहस्त्रार की जगह है, इसे आप अपने तालू पर, जो कि एक स्नेक घसी अभी थी बचपन में, उस पर रखें। रख करके सर को नीचे झुका लें, उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर खींचें, इससे दबाव अच्छे से पड़े। और अब आप इस अपने सर की चमड़ी को, जिसे पिस्काल कहते हैं, हाथ को नहीं, धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे सात बार घुमाएं, क्योंकि अपने रिपीट एरिया में सर में सात चक्रों के पीठ है, इसलिए इसे आप सात मरतबा घुमाएं। गर्दन झुका लें आसान कर, इतना ही बस करना है। अब आप लोगों को आंख बंद कर देनी है, चश्मे भी आप उतार लें, इससे दृष्टि भी ठीक हो जाती है, और इसलिए आप कृपया चश्मे वगैरह उतार लें। अगर आपके गले में कोई माला या गंदे दोरे या कोई इस तरह की चीज़ हो, या जिसे तावीज वगैरह करते हैं उसे निकाल लें, कमर में कोई चीज़ कस रही हो तो उसे आप हटा लें, और जिससे कि आप इस तरह से बैठें जिससे पूरी तरह से आप हल्के हल्के। अब कृपया सब लोग आंख बंद कर लें, लेकिन जब तक मैं न कहूँ आप आंख न खोलें। कृपया सब लोग आंख बंद कर लें और अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर रखें, राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। अब से सबसे पहले बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप तीन बार पूछें मन में, अपने मन में पूछें, जोर से नहीं। ये प्रश्न है, आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें, जो भी आप ठीक समझें, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप अपने अंदर तीन बार पूछें, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं ऐसा ही ये पूछना हुआ।
हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और वहां दबाएं। यहाँ पर एक प्रश्न आप तीन बार मन में फिर से मुझे करें। माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ, क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ये प्रश्न आप तीन बार अपने मन में पूछें। अब आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या ला नहीं सकती। इसे आपको अपने स्वतंत्रता में और गौरव में ही मांगना होगा। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में दबाकर रखें लेफ्ट हैंड साइड पर। ये शुद्ध विद्या का चक्र है जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। यहाँ पर 6 बार आप कहिए, श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ऐसा आप 6 बार कहिए, श्री माता जी, आप कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहते ही साथ कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया, उसमें हलचल शुरू हो गया। आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। अंत में जब कुंडलिनी आपके ब्रह्मरंध्र को छेदेगी, तभी आपको चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी अपने ही सर से आती हुई नजर आएगी। तो आप को जान लेना चाहिए कि अब कुंडलिनी का जागरण हो रहा है, तो अपने ऊपर के चक्रों को भी हमें अपने आत्मविश्वास के साथ काबित करना है। इसलिए अब राइट हैंड को उठा करके आप अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें 10 मरतबा। 10 बार आप कहें, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं अपना ही गुरु हूँ। इस तरह से आप 10 बार पूरा आत्मविश्वास के साथ। आपसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे बड़ा शक्ति यह है कि आप आत्मा स्वरूप हैं। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि भावनाएं सब कुछ जो है ये उपाधियां हैं, और ये आत्मा ये ऊपर छाए हुए बादल जैसे, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा स्वरूप। तो अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मरतबा आप कहें, हृदय के साथ कहें, श्री माता जी, 12 मरतबा, 12 बार आप कहें, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप
अपने को क्षमा कर। ये परम चैतन्य ज्ञान और प्रेम का सागर, ये आनंद और आशीर्वाद का सागर कि तो सबसे अधिक एक क्षमा का सागर, और इसकी क्षमा शक्ति इतनी जोरदार है कि आप कोई भी भूल करें, गलती करें, वो इसे अपने में समा सकता है। इसलिए आप कृपया कम से कम अपना न्याय न करते हुए अपने को क्षमा करें। और अपना हाथ अब कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उस पर रखे, जहां तक पीछे तक जा सकता हो, और अपनी गर्दन को राइट में बोले। ये चक्र जो है ये अपने को क्षमा करने का है, इसलिए आप 16 मरतबा कहें कि माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, माँ मैं पापी नहीं, मैं दोषी नहीं। इस तरह से आप 16 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं, 16 मरतबा आप कहें, गर्दन को मोड़ लें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें। और अब अपने राइट हैंड को आपको अपने माथे पर अपने कपाल पे रखना होगा और गर्दन को झुका लेना, दोनों तरफ से रख। और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चक्र बहुत ही संकीर्ण है, बहुत छोटा है, इसके अंदर से गुजरने का निकलना मुश्किल है। कृपया हृदय के साथ आप कहें, कितने बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। पूर्ण हृदय से बात करें के हिस्से में रखें और उस पे सर उन्नत करके सर को झेलें, पूरी तरह से उन्नत करें। यहाँ पर आपको अपने समाधान के लिए से परम चैतन्य से क्षमा मांगनी है, किंतु आपने कोई गलती की हुई हो, दोष किए हो या कुछ किया हो, वो जोड़ने की जरूरत है। सिर्फ हृदय से ये परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करें। अब अपनी हथेली को टाल और इस हथेली का बराबर बीच का हिस्सा है मध्य भाग, वो अपने तालू पर जो कि बचपन में एक स्निग्ध सी लगी थी उस पर रख करके और दबाए, अपनी उंगलियां बाहर की ओर और गर्दन को छुपा और छुपा करके और हाथ को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाए जिससे कि आपके सर की जो स्कैल्प है, अपनी जो चमड़ी है, वो भी खूब जोर डालें।
दुनिया पीछे क्यों? और एक बात यहाँ कहनी है कि मैं आप पर कोई जबरदस्ती क्यों नहीं कर सकती। आपका मैं पूरी तरह से मान रखती हूँ आपकी स्वतंत्रता का, इसलिए आपको अपनी स्वतंत्रता ही कहना होगा। इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, तो हाथ घुमाते वक्त सात मतलब आप कहें, इसलिए माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। उंगलियां बाहर की तरफ खींचे, उसके बगैर दबाव नहीं पड़ेगा। उंगलियां जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, उंगलियां बाहर की तरफ खींचे और हथेली पूरी सर में रखे, तब दबाई तब होगा पूरी तरह से। आप शंका नहीं करें, बिल्कुल शंका करने की जरूरत है। आप देखिए आप के अपना राइट हैंड मेरे ओर पर और लेफ्ट हैंड सर को झुका के और इसके ऊपर पर, यहाँ नहीं ऊपर पर, इस तरह से। और देखें कि आप ही के सर में से चली हवा आ रही थी, आप ही को सर्टिफिकेट दे रहा है। ठंडी ठंडी हवा आएगी, कभी कभी गर्म भी आ सकती है, कोई बात नहीं। आप सर झुका के अब लेफ्ट हैंड में लो और सर झुका के पूरी तरह से देखिए कि आपके राइट हैंड में आ रही है। अच्छे से देखे क्या आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर करके आकाश की ओर गर्दन पीछे मोड़ दें और एक सवाल पूछे, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या नहीं परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? पूछिए, इसमें से कोई सा भी सवाल की मतवा पूछा, की मतवा पूछिए। अब हाथ पूछिए, आप जिन लोगों के सर में से या हाथ से ठंडी हवा लगी हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। ऐसे सब लोग जिनके हाथ में और सर में ठंडी हवा लगे। अब देखिए कि शंका करने की बात नहीं, बहुतों पे लगी भी पर वो शंका कर रहे हैं। शंका की बात है, सबको मेरा आनंद आशा।